45 मिनट में मैं हूं नाही चौधरी। वैसे किसी भी मुआशरे में किरदार साजी सबसे अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, लेकिन क्या हमारे यहाँ भी ऐसा है? क्योंकि इसके बगैर न तो कोई मुल्क तरक्की कर सकता है और न ही अमूमी रवैयों में तब्दीली मुमकिन हो पाती है। तो सबसे डॉक्टर राहिल कमर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप डायरेक्टर हैं कॉम सर्च यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। इस वक्त जिस तरह से असम साहब ने कहा अपनी यूनिवर्सिटी का उन्होंने हवाला दिया, लेकिन अगर मजमू तौर पर हम देखें हमारे तालीमी इदारे क्या कर रहे हैं इस में, स्कूल से अगर हम शुरू करते हैं और यूनिवर्सिटी तक जाते हैं, तो इस वक्त मसाइल क्या है, हम हमारी तरजीहात क्या है, इस पर हमें फोकस करना चाहिए, क्या करें हम? देखिए जी, ये जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी फरमाया है, घर जो है वो पहली होती है आपके एजुकेशन के लिए, जो दरअसल होती है, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी स्कूल्स एंड ऑल दैट। मगर जो माशरे का जो प्रेशर होता है और माशरे की जो टीचिंग होती है उससे आप डिनाई नहीं कर सकते, आप जो घर में जो मर्जी कर लें। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा, मेरे बच्चों की आदत थी जब छोटे थे कि बाहर भी टॉफी भी खाते थे तो मेरी जेब में रख देते थे, ये उनकी आदत थी। तो जब स्कूल जाना शुरू हुए, एक दिन मैं उनको स्कूल से लेके आ रहा था, मेरे बेटे ने कोक का कैन किया, खिड़की खोली और बाहर फेंक दिया उठा के। मैंने कहा ये क्या किया आपने? कहते जी सारे लोग इस तरह करते हैं, मेरे सारे दोस्त इस तरह करते हैं। ठीक, माशरे का भी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल। अच्छा, एक हम जो बात हम इस वक्त नहीं कर रहे और जो बात रियलाइज नहीं कर रहे कि ये हमारी जो नई जनरेशन है ना, ये डिजिटल एज की जनरेशन है और इनको हमें डिजिटल एज पे जाके डिजिटल टूल्स यूज करके इनको जो है ना सही रास्ते दिखाने पड़ेंगे। वो जमाने गए, हम आई ग्रो अप बेसिकली रीडिंग अलॉट, तो मेरी जितनी एथिक्स थी और जितने एक्सपीरियंसेस थे वो मैंने बुक से सीखी। अब बच्चे बुक उठाते भी नहीं है और वो सब कुछ जो है ना व्हाट्सएप या फेसबुक या इन चीजों से, ट्विटर से सीखते हैं। तो मैंने कुछ अच्छा पहले जब मैंने फेसबुक और ट्विटर ज्वाइन किया तो मेरे बच्चों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि इस एज में आके आपको ये कहती भी है, ये तो बच्चों का शौक है। मैंने कहा नहीं, ये बहुत अच्छे टूल्स हैं वो माशरे की बिल्डिंग के लिए भी और लोगों को सिखाने के लिए कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं और इनके प्रॉब्लम जो है आजकल उनको एड्रेस करने की जरूरत है। अगर हम बात करें जिस तरह से करेक्टर बिल्डिंग की बात करें तो वहां पर तो हमें लोग बहुत ही अच्छी सोच के साथ नजर आते हैं, लेकिन अच्छी सोच सिर्फ वहीं तक महदूद होती है। हम ये कहते हैं कि अमली मैदान में भी ये सारी चीजें नजर आनी चाहिए। उसके लिए जो हमारा उस्ताद है वो तो एक रोल मॉडल होता है, स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, अपने माँ बाप को बच्चे फॉलो करते हैं कि जिस तरह से माँ बाप कर रहे होते हैं, सबसे पहले तो आप घर से सीखते हैं ना, फिर आप तकलीफ करते हैं, तो वो चीज जो है उस पर हमें इत्तेकाज करना चाहिए। वो क्यों नहीं हम कर पा रहे? देखिए जी, उसमें थोड़ी सी ना सोशल इनोवेशन बहुत ज्यादा, हमारे कुछ टॉपिक्स हैं टबू हैं हमारी सोसाइटी में। मसलन लेट मी से डेटिंग के हवाले से आप करने सोसाइटी में हो रही है, बट इट्स टबू टू टॉक अबाउट, आप बात नहीं कर सकते जी। ठीक है, तो हमारे एक एथिक्स के टीचर हैं, बड़े अच्छे टीचर हैं, तो उससे किसी ने सवाल पूछा, वो इसी तरह ये लोगों से बात इसी तरह करते हैं कि भाई एक्सपीरियंस से और सवाल से, तो उससे किसी ने पूछा कि जी डेटिंग हलाल है कि हराम है? तो उसने कहा बेटा मुझे आप ये बताइए कि अगर आपकी बहन को कोई डेट करना चाहे तो हाउ वुड यू फील? एंड ही सेड आई वुड फील वेरी बैड अबाउट इट। उसने कहा आपका जवाब आपको मिल गया इसी से बात से कि यू वुड फील बैड अबाउट इट, दैट मीन्स कि इट्स नॉट समथिंग विच इज प्रैक्टिस इन मुस्लिम एनवायरमेंट एंड ऑल दैट। सर, मैं चाहूंगी कि जो सवालत किए गए कुछ निसाब की तब्दीली के हवाले से भी इन्होंने बात की और कुछ कमेंट्स जो किए गए उनको अगर मजबूत तौर पर आप रिस्पॉन्ड करें तो किस तरह से करें? जी देखिए जी, एक तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसको रिवैम्प होने की बहुत सख्त जरूरत है। अगर आप क्लासरूम की सेटिंग भी देखें, अगर ये सामने भी सेटिंग देखें, ये एक इंडस्ट्रियल उसके लिए वर्कर क्रिएट करने के लिए सेटिंग है, बिल्कुल इंडस्ट्री में ऐसे ही बैठा जाता है और इसी तरह लाइन पे काम किया जाता है। तो अब दुनिया बहुत चेंज हो गई है, न्यू मोड्स ऑफ टीचिंग आ गए हैं, जिस तरह इन्होंने भी फरमाया कि ओबी आउटकम बेस्ड एजुकेशन आ गई है। हमने रिसेंटली हाइब्रिड मोड ऑफ टीचिंग शुरू किया है जिसमें हम ऑनलाइन फ्लिप क्लासरूम के मॉडल पे गए हैं। तो इस तरह की जो नई मोडालिटीज ऑफ टीचिंग है ना, ये लाना हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत जरूरी है ताकि आप एक थिंकिंग स्टूडेंट क्रिएट करें और थिंकिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी क्रिएट करें। अभी हम ये कर रहे हैं कि वो सिर्फ एग्जाम देने के लिए एजुकेशन करते हैं और उसको आप स्टूडेंट को आप दो महीने बाद जी दो महीने बाद भी पूछें, वो सब कुछ भूल चुका होता है कि मैंने पढ़ा क्या था। बिल्कुल ऐसे। और इसमें
एजुकेशन में टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. एक टीचर जो है ना स्टूडेंट की जिंदगी चेंज करके रख देता है. मुझे याद है मैं जब एमएससी कर रहा था मुझे सिर्फ एक टीचर हमारे मसूद अफरीदी साहब नाम था उनका. उनकी मैं नाम और शक्ल जिंदगी भर याद रखूंगा, मरते दम तक याद रखूंगा. ही चेंज माई लाइफ अराउंड कंप्लीटली एंड आई एम वट आई एम बिकॉज ऑफ माई टीचर एंड दैट सॉर्ट ऑफ ए रोल मॉडल वी डोंट फाइंड इन द सोसाइटी एनी लॉन्गर. कुछ मसला ये भी है कि हमारे उस्तादा जो है वो बहुत यंग है. अभी जो है ना असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे मेरे पास इस वक्त 1145 पीएचडी फैकल्टी मेंबर हैं जिसमें से 900 असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे हैं. बहुत यंग हैं. दे देमसेल्फ वर स्टूडेंट यस्टरडे एंड नाउ दे आर टीचर्स एंड दे रियली डोंट नो हाउ टू एक्ट इन अ क्लासरूम. हमने हमारा एक बहुत स्ट्रांग प्रोग्राम है फैकल्टी डेवलपमेंट अकेडमी के तहत हम फैकल्टी डेवलपमेंट का करते हैं. उनको फिर हम वहां सिखाते हैं जाके आपने पढ़ना क्या है, स्टूडेंट के साथ किस तरह इंटरेक्ट करना है, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आजकल जो है और तरफ हमारे उस्तादा चलते जा रहे हैं इन मामलात में भी. ये भी उनको सिखाने की जरूरत है कि एक उस्ताद और शागिर्द के दरमियान सिर्फ एक टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है, वो एज ए मेंटर मेंटी के तौर पर है और इसके अलावा कोई रिलेशनशिप नहीं होता.